इस वक्त मैं दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के कोरल पट्टी में है और बूथ संख्या 87 और 88 है, जो कि आदर्श बूथ केंद्र बनाया गया है और इसके अंदर क्या क्या सुविधा है इसको लेकर के हम जानने के लिए अंदर आएंगे और अंदर हम देखेंगे कि यहाँ जो किस तरह से सुविधा है। और बिल्कुल जो एक पंडाल का जो यहाँ के आने वाले लोगों के लिए एक पंडाल का व्यवस्था है, बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है और हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की गई है और इन लोगों के द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। और क्या क्या जानकारी मैडम दी जाती है लोगों को जो यहाँ आते हैं? उनको यहाँ पे बताया जाता है कि बूथ संख्या कितने पे आपको वोट दी जानी है और उसके अलावा और क्या पूछ रहे हैं? उसके अलावा पानी, बच्चे का खिलौना, सारा चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो इन लोगों को जो है बूथ के बारे में बताते हैं और इसके अलावा और भी जो है सुविधा है इस बूथ पे, जो है बच्चे के लिए जो है खेलने के लिए जो है खिलौना रखा गया है और तरह तरह के बच्चे के लिए खिलौना रखा गया है, जो कि यहाँ जो बच्चे आते हैं जो जिनके बच्चे के साथ जो है गार्जियन के साथ बच्चे आते हैं उनके लिए ये जो है खिलौना का सुविधा रखा गया है, जो ताकि बच्चा यहाँ खेल सके, बच्चे रोए नहीं जब तक उसकी माँ जो है मतदान कर सके। तो आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे भी हैं यहाँ और जो कि आए हुए हैं और यहाँ पे क्या कहाँ आए हो और क्या कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? वोट डालने के लिए आए हैं और यहाँ कैसा लग रहा है? तुम्हारे माता पिता वोट डाल रहे हैं यहाँ? तो इनके जो है गार्जियन जो है यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं और बच्चे अपना टाइम पास कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पानी पीने की भी जो है सुविधा रखी गई है, जो यहाँ जो मतदान करने जो आएंगे क्रम जो लोग आएंगे उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था की गई है। और भी हम बताते हैं कि इसके अंदर बूथ के अंदर जो है क्या क्या सुविधा है इसको बताते हैं और यहाँ बैठने की जो है बैठने जो आते हैं उनके लिए बैठने की भी सुविधा की गई है। हालांकि जो है मतदान जो है सुबह 7 बजे से ही बूथ पे शुरू हो गई थी, लेकिन जो है जिस तरह से होनी चाहिए भी उस तरह से नहीं, हम दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्र का जो है ये स्थिति है, लोगों का जो है भीड़ नहीं है, बहुत कम संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। मतदान संख्या 84 है और यहाँ जो है 804 कुल 804 जो है मतदाता है और हम जानते हैं तो आइए हम जानते हैं कि अभी तक क्या स्थिति है मतदान का, इसको लेकर के बताएंगे कि तो अभी तक कितने वोट गिरे हैं, कितने क्या स्थिति। अभी तक सर 93 वोट हुआ है 804 में। लोगों की भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही, क्या वजह? और इसके अलावा और भी जो कर्मचारी पीठासीन पदाधिकारी है उनसे हम जान रहे हैं मतदाता बहुत कम आ रहे हैं, वोटिंग अभी बहुत कम हुआ है, क्या वजह क्या हो सकता है सर? इसका वजह तो हम लोग नहीं बतलाएंगे, जो निराशावादी यही समझेंगे। तो कुल इतना कितना सीट है, क्या है यहाँ पे जो है? यहाँ वोटर 804 है जी, लेकिन अभी तो कितना समय हो रहा है? 10 बज रहे हैं। 10 कितना हुआ है? 10:30 94 को मत वोटिंग हुआ है। 94 हाँ, मतदाता बहुत कम आ रहे हैं। तो मतदाता जो है अभी भी कम आ रहे हैं और धीरे धीरे समय है, पर्व का समय है, दीपावली छठ है, नज़दीक है, शायद इसीलिए हो सकता है कि मतदाता जो है कम आ रहे हैं मतदान करने के लिए। अब हम कुछ ऐसे जो मतदाता हैं जो वोट गिरा चुके हैं उन लोग से भी बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने अपना मत दिए हैं। सर बताएं कि इस बार जो वोट गिरे हैं आप लोग किन मुद्दों पर वोट गिरे हैं? देखिए, इससे पहले जो हम लोगों ने वोट गिराया था सरकार का बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें एक भी मुद्दा कामयाब नहीं रहा। हम लोग बेरोजगारी पे वोट दिए हैं, प्लस हम लोग नोटबंदी जो किया उसमें बहुत बड़ा कि ना ये कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि देश में जो आर्थिक स्थिति जो अभी ख़त्म हो रही है इस विषय को देखते हुए, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब विषय को लेते हुए हम लोग ने इस बार वोट किया है। और जितने भी नवयुवक लोग हैं या देश की जो आर्थिक स्थिति को लेकर ही सब लोग इस बार वोट कर रहे हैं, क्योंकि ये उपचुनाव है, इसमें सरकार बनने से कोई ये नहीं है, ऑलरेडी सरकार बहुमत में है, इसलिए सभी लोग का ये है कि हम ऐसे नेताओं को, एडजस्ट लीडर को जीता है
जो लीडर के हमारे इस लोकसभा क्षेत्र का विकास कर सके और जो लीडर से लोकसभा क्षेत्र के लिए खड़े रहे हमेशा हर जिस समय जिस भी परिस्थिति में हो लेकिन वो हमारे लिए खड़े रहे और हम लोग के लिए विकास और सबसे बड़ी अभी मुद्दा बन चुका है वो मुद्दा है हम लोग के लिए बेरोजगारी का मुद्दा जो सभी नवयुवक अभी आजकल बेरोजगार है। तो इस युवा वर्ग जो है वो बेरोजगारी मुद्दा पर जो है मतदान किए हैं और जो हमारे जो एजेड लोग हैं उनसे भी जो जानते हैं कि वृद्ध जो लोग हैं वो उनका क्या मुद्दा है, आखिर किन मुद्दों पर जो है अपना मतदान दिए हैं? हम लोग जो इस बार मतदान किए हैं तो परिवारवाद के विरोध में मतदान किए हैं। हम लोग का एक ही मुद्दा है जो परिवारवाद विरोध मत दिया जाए, परिवारवाद नहीं चले। तो जैसा कि इनका कहना है कि परिवारवाद है, हालांकि जो उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा समस्तीपुर का जिसमें रामचंद्र पासवान के पुत्र जो है प्रिंस राज खड़ा हुए हैं और परिवार उनके पुत्र खड़ा होने के वजह से ये नहीं चाह रहे हैं लोग कि जो परिवारवाद हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं। और हम एक और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इनका क्या मुद्दा है। सर क्या मुद्दा है? देखिए यहाँ जो इससे पहले MP थे रामचंद्र पासवान जी 3 बार MP रहे लेकिन यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लोग का युवा गांव में जितने भी महिला लोग हैं सब में एक तो अलग माहौल देखने को मिल रहा है। जो इस क्षेत्र में समस्तीपुर लोकसभा में आज तक एक बिस्कुट का फैक्ट्री भी नहीं खुला, बगल में अशोक पेपर मिल है, अशोक पेपर मिल चालू नहीं है, कोई भी मुद्दा जो है सर हमारे स्थानीय मतलब जो है सो पहले जो सांसद थे रामचंद्र पासवान जी कुछ नहीं किए, इसलिए हम लोग उसके विरोध में जो है सो वोट करें। तो जो स्थानीय मुद्दा है उनके विरोध में जो है इस बार वोट हो रहा है, ये आदर्श मतदान केंद्र का हालात है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और इस बार जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं है बल्कि एक लोकसभा के क्षेत्र का जो समस्तीपुर का जो क्षेत्र है उनके विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है और वंशवाद की जो ख़त्म होने की बात पर यहाँ के जो मतदाता है वह मतदान कर रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए सुनील भारती, दरभंगा।